तो जयपुर नगर निगम की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पहला रिएक्शन ज्योति जी आपका जाना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर जो सामने आया है, महापौर के पति को ट्रैप किया एसीबी ने, बड़ा मामला है। देखिए, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार और एसीबी जो है वो अपना काम कर रही है और पूरी निष्पक्षता के साथ कर रही है, बिना इस बात के कि कांग्रेस का है, बीजेपी का है, बड़ा है, छोटा है अधिकारी, अगर कोई भी करप्शन में लिप्त है तो उसके अगेंस्ट एसीबी जो है वो कार्रवाई अपनी करेगी। इसमें यूं कहे कि निष्पक्षता के साथ जो है अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन ज्योति जी, क्योंकि अंदरूनी सियासत कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ तो पक रहा है, क्योंकि पिछले दिनों घेरती नजर आई थी महापौर मुनेश गुर्जर अपनी ही सरकार को, प्रताप सिंह खाचरियावास पर निशाना साधती नजर आई थी। इसमें कोई राजनीतिक मामला नहीं हो सकता जी, जी। इसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर मुनेश जी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो वो एसीबी को सहयोग करें, अगर वो गलत नहीं है तो एसीबी उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो या उनके पति अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो निश्चित रूप से जो सच्चाई है वो सामने आएगी और उनके अगेंस्ट जो कार्रवाई होनी है वो हो सकती है। मैं ये बात मेरे अनुभव से भी कह सकती हूँ। मेरे समय पर मैंने करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, मेरे करप्शन में जहां जहां मेरे समय पर भी 50 शहरों के संग अभियान चला, रिकॉर्ड 14,000 से ज्यादा पट्टे जो है नगर निगम के माध्यम से और टोटल 25,000 से ज्यादा पट्टे जो है वो बटे नगर निगम और जेडी के माध्यम से। लेकिन हम यूं कहें कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ। कहीं भी अगर किसी कर्मचारी की कहीं भी कोई गड़बड़ अगर हमको नजर आई तो हमने उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की और उसको जेल जाना पड़ा। मेरे समय पर भ्रष्टाचार को लेकर के अगर छोटे से छोटा कर्मचारी हो या बड़े से बड़ा आईएएस अधिकारी हो, करप्शन में उसकी लिप्तता पाई गई तो उसको जेल जाना पड़ा। मेरे ऊपर भी आरोप लगे, कई बार आरोप लगे, शिकायत भी हुई, लोकल फंड ऑडिट में भी शिकायत हुई, एसीबी में भी शिकायत करके आए। लेकिन चाहे लोकल फंड ऑडिट की रिपोर्ट हो, उसमें अगर आप देखेंगे तो 32 प्रकरणों की जांच हुई लेकिन 35 बार उसमें लिखा हुआ है कि करप्शन महापौर द्वारा कोई भ्रष्टाचार करना प्रतीत नहीं होता है। इसमें सीधे तौर पर महापौर द्वारा कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। एसीबी के कोर्ट की भी अगर बात करें तो वहां से भी निकल करके क्लीन चिट जो है वो मिलती है। तो अगर आपने करप्शन नहीं किया है तो आपको क्लीन चिट मिलती है, तो इसमें कोई राजनीतिक इसमें नहीं हो सकता है। अगर किया है तो निश्चित रूप से एसीबी को जो भी कार्रवाई होगी, जो कार्रवाई आगे होनी चाहिए वो होगी कार्रवाई। और अगर नहीं किया है तो मुझे लगता है मुनेश गुर्जर जी को सहयोग करना चाहिए, एसीबी की जांच में सहयोग करना चाहिए। अगर वो या उनके पति उसमें लिप्त नहीं है तो कोई कार्रवाई उनके अगेंस्ट नहीं हो सकती है। आप अगर सच्चाई से हो, अगर आप उसमें लिप्त नहीं हो तो आपके अगेंस्ट आरोप लगाए जा सकते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकती। तो मैं तो मेरे खुद के उदाहरण से इस बात को बहुत क्लियरली बोल सकती हूँ कि मेरे पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की कोशिश की गई है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जांच हुई लेकिन जांच होने के बाद सच्चाई सामने आ गई, उसमें बिल्कुल साफ निकल करके आ गया कि करप्शन के अगेंस्ट महापौर की कोई लिप्तता नहीं है। लेकिन मैंने शिकायत की और कर्मचारी और अधिकारी आईएएस अधिकारी तक के अगेंस्ट शिकायत हुई, अगर वो करप्शन में लिप्त पाए गए तो उनके अगेंस्ट चाहे वो कोई छोटे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उसको जेल जाना पड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सियासत वाली बात है, इसमें बहुत सीधी सी बात है कि करप्शन, क्योंकि नगर निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे 24/7 का डिपार्टमेंट, यहाँ यूं कहें कि हर व्यक्ति को नगर निगम से काम पड़ता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। हमको पता है जन्म प्रमाण पत्र हो, विवाह प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, पट्टा हो, सफाई हो, लाइट हो, सीवर हो, ऐसे काम होते हैं जहां हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कभी नगर निगम में काम पड़ता ही पड़ता है। तो सीधा जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है और ऐसे डिपार्टमेंट में करप्शन कम से कम होना सीधे जनता को राहत देना होता है। जब जनता को कम चक्करों में बिना करप्शन के अगर काम होता है तो ये सीधे राहत वाली बात होती है। और ऐसे में मैं तो ये मानती हूँ कि ऐसे डिपार्टमेंट जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, तो उनको मॉनिटरिंग करना चाहिए कि उनके उनके कर्मचारी, उनके अधिकारी जो है वो प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और पट्टा देना तो सरकार का एक हमेशा से बहुत महत्व का एक ऐसा अभियान रहा है, संवेदनशील रही है जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक पट्टा मिले। तो ऐसे में इस तरह के मामलों में अगर कहीं करप्शन पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। जी ज्योति जी, क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि गहलोत सरकार की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर एसीबी निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है तो ये अच्छी बात, लेकिन कांग्रेस का ही बोर्ड है तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अब चुनाव भी आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की छवि पर इसका कितना असर आपको पड़ता दिखता है, क्या नकारात्मक रूप में इसका असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता इसमें कोई नकारात्मक, बल्कि इसमें ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी के समय पर अगर कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होती है। ये बचाने की कोशिश नहीं की जाती है करप्ट लोगों को,
तो मेरे को लगता है कि ये तो एक जनता के बीच में एक अच्छा संदेश जाता है। और ये देखिए, ये एक व्यक्ति के, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कहती है किसी भी अपने जनप्रतिनिधि को कि आप जो है करप्शन करो या आपको ये करप्शन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। ये व्यक्ति का अपना खुद का उसका अपना कह सकते हैं व्यवहार होता है, खुद का उसकी सोच होती है, और अगर करप्शन कर, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो करप्शन को जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। एसीबी को इसीलिए लगातार, एसीबी जो है वो काम कर रही है, लगातार ये कोशिश करती है कि जहां भी कहीं भी उनको अगर कोई इसके भ्रष्टाचार के अगेंस्ट अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसके अगेंस्ट वो काम करे, कार्रवाई करे, और एसीबी निष्पक्षता से निश्चित रूप से इस मामले में भी कार्रवाई करेगी। तो अगर करप्शन में लिप्त है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और अगर नहीं है तो मुझे लगता है सहयोग करके इस जांच को उनको पूरा सहयोग करना चाहिए जिससे सच्चाई सामने आ सके। शुक्रिया ज्योति जी हमसे जुड़ने के लिए।